दहेज की मांग पूरी ना होने के चलते महिला की हत्या का मामला हुआ दर्ज। रामगढ़ थाना क्षेत्र के नाड़का गांव में दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण महिला का हत्या का मामला रामगढ़ थाने में दर्ज हुआ है। मृतक महिला अंजू देवी के भाई संतोष कुमार निवासी गांव बैरीपुर थाना रामगढ़ ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिसमें लिखा है कि मेरी बहन अंजू की शादी 7 वर्ष पूर्व नाड़का गाँव के राजेश उर्फ सन्नू के साथ हुई थी और शादी के बाद से ही मेरी बहन अंजू को उसका पति और उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, जबकि हमने शादी के समय भी एक मोटरसाइकिल दी थी और 2019 में भी एक मोटरसाइकिल दी थी। उसके बावजूद भी इन लोगों के दहेज की मांग बढ़ती रही। दहेज की मांग से तंग आकर मेरी बहन काफ़ी दिनों तक पीहर में भी बैठी रही और मेरी बहन अंजू के चाचा ससुर कन्हैया लाल की निजी गारंटी पर मेरी बहन को ससुराल भेजा गया था, जिसमें उसने गारंटी दी थी कि आज के बाद कोई दहेज की मांग नहीं की जाएगी और ना ही कोई अंजू को परेशान करेगा। उसके बावजूद भी इन लोगों की दहेज की भूख समाप्त नहीं हुई और अंजू के पति राजेश एवं सास ससुर वगैरह ने मेरी बहन को प्रताड़ित कर गला घोंट कर हत्या कर दी। इस मामले में रामगढ़ थाना अधिकारी का कहना कि आज सुबह 4 बजे टेलीफोन से सूचना मिली कि खेत में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। घटना की सूचना पर रामगढ़ थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना कर शव की शिनाख्त अंजू पत्नी राजेश के रूप में पहचान हुई। घटना की सूचना पर SP तेजस्विनी गौतम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ CHC पर लाए और पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा करा शव परिजनों को सौंप दिया। मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। मेरे भाई की लड़की ग्राम नाड़का में 2014 में ब्याही थी, जिसका 20-20 उम्र मिटाव होकर हम समझौता कर रहे हैं, बार बार उनको तंग कर रहे हैं। पति का नाम है राजेश कुमार, निवासी नाड़का। वो जैसे हमें सुबह सूचना मिली कि भाई वो आपकी लड़की की डेथ हो गई है, फिर हमने पता किया तो वहाँ जंगल में मारी गई। खेत में हम मौके पर गए, SP महोदय भी थी वहाँ, DSP साहब थे, तो वहाँ बाकायदा उसको 4-5 आदमी मिलकर मारा है। सिर्फ वो खेत में से बना हुआ है चिन्ह वहाँ, जिसकी जांच पड़ताल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ मैं कि उसकी शीघ्र कार्रवाई की जाए। मैं डॉक्टर निशांत शर्मा, CHC रामगढ़ पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज सुबह हमारे यहाँ पर श्रीमती अंजू वाइफ ऑफ सन्नू रामपुर राजेश की जो है डेड बॉडी आई थी, जिसका मेडिकल बोर्ड द्वारा जो है पोस्टमार्टम किया गया। जो मेडिकल बोर्ड में जो है, एक तो मैं डॉक्टर निशांत, एक डॉक्टर बाबूलाल जी और एक हमारे यहाँ महिला चिकित्सक हैं डॉक्टर ज्योतिष, हम तीनों ने जो है उसका पोस्टमार्टम भी किया है और पोस्टमार्टम करने के बाद जो है उसकी बॉडी जो है उसके परिजनों को सपोर्ट कर दी। क्या मामला? वो अभी जो है रिपोर्ट एक बार बन जाए उसके बाद। नाम आपका? संतोष कुमार। क्या लगते हो आप इसके? मैं भाई लगता हूँ। क्या बात हुई थी? हम इससे दहेज के कारण से पहले शादी से पहले से ही परेशान कर रहे थे। बार बार मैंने पहले मोटरसाइकिल दी थी, जो वो भी इन्होंने बेच दी। दोबारा फिर मोटरसाइकिल निकलवा के मैंने दिए, किस्त उसकी भरी है। इन्होंने पहले से बेचते आए हुए हैं, दारू वारू पीते हैं, बार बार लड़के को मारते हैं। बार बार मारने के बावजूद लड़के को मैं कई बार घर ले आया, इनके गाँव में मैंने सब समझौता किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं माना इन्होंने। कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं इसके। अच्छा। इसमें दोबारा इसके बाद पिताजी भी गया था गाँव में 10-15 दिन पहले, तो ठीक थी। उसके बाद अब ये गाँव में जंगलों में ले जाके इसकी मृत्यु कर दी। जंगल में खेत में मार दी और मार के। तुमको सूचना कब मिली? हाँ जी, सूचना कब मिली? सूचना हमें को प्रशासन द्वारा सुबह 5 बजे मिली। आज सुबह 4 बजे करीब सूचना मिली कि नाड़का गांव में डेड बॉडी पड़ी है खेतों में। इस सूचना पर मौके पर पहुँचे तो वो डेड बॉडी अंजू जाटव की पाई गई। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। प्रकरण के संबंध में श्रीमती पुलिस अधीक्षक महोदय तेजस्वी गौतम ने, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती सरिता सिंह ने भी मौका मुआयना किया है। परिजनों द्वारा FIR पंजीबद्ध कराई गई है, जिसको दर्ज कर अनुसंधान कार्य। किस चीज़ में मुकदमा दर्ज कराया है? 304B के तहत मुकदमा दर्ज कराया। मुलजिम गिरफ्तार किया? मुलजिम अभी बाद अनुसंधान की।